हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जो कि बहन बेटी योजना को उसका दूसरा नाम रखा गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना हेतु आवेदन फॉर्म। ये आवेदन फॉर्म आप अब जमा कर सकते हैं और जिसको कि हर महीने 1000 की राशि दी जाएगी। जो आपको ये फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है, अगर आप सही से फॉर्म को नहीं भरते, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको जो पैसा 1000 रुपया नहीं मिलेगा। अगर आपके भी घर में कोई भी बहन हो, बेटी हो या आपकी वाइफ या माँ हो जो 21 से 50 वर्ष महिलाओं को ये फॉर्म भरा दीजिए, उसके बाद 1000 की राशि यहाँ पे सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कैसे फॉर्म को भरना है। उससे पहले आप ये फॉर्म को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जुड़ करके, वहां आपको PDF दिया गया है, वहां से डायरेक्ट आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले एक एक पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक कलर फोटो को डालना है। ठीक है, यहाँ पे एक कलर फोटो को आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे पिता या पति, यानी कि पिता का डाल सकते हैं, जिसका शादी हुई है वो पति का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम मोहल्ला का, यहाँ पे ग्राम मोहल्ला डालेंगे। उसका थाना और यहाँ पे पंचायत और जिला, ये सारा सिंपल है। लेकिन इससे नीचे बहुत खतरनाक है, जिसको आप सही से नहीं भरेंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्म गलत हो सकता है। ठीक है, उसके नीचे जाएंगे, उसके नीचे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है आधार। ठीक है, आधार संख्या भरना है। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आ जाना। खाता संख्या भरने के बाद आपको यहाँ पे हाँ देना, यानी कि खाता लिंक होना चाहिए आपका आधार कार्ड से। ठीक है, और यहाँ पे आधार कार्ड और यहाँ पे खाता संख्या वो भरना है जो कि आपका चालू खाता रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम, शाखा भरना है, उसका IFSC कोड और राशन कार्ड भर देना है और पैन कार्ड। ठीक है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भर सकते, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की सामना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैकल्पिक दिया गया। अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आयु भर देना है। उसका जन्मतिथि आपको भरना, वो जो आपका आधार कार्ड में सेम हो वही आपको जन्मतिथि भरना है, और जाति भर देना है। ठीक है, उसके नीचे जाएंगे, नीचे आपको यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपको आवेदिका का चिन्ह, यानी कि आपका कटा हुआ जला हुआ किसी भी शरीर में चिन्ह है तो आपको यहां पे डाल देना है। ठीक है, उसका आवेदिका का मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, जो चालू मोबाइल नंबर है। कोई भी फॉर्म में गलती होता है SMS का द्वारा आपको दिया जाएगा यहां पे, या मोबाइल नंबर आपको यहां पे उसके द्वारा फोन किया जाएगा अगर कोई भी फॉर्म में गलती हो। ठीक है, यहां पे आवेदिका का विवाह है तो यहां पे विवाह डाल देंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे विधवा, यहां पे जो भी है यहां पे आपको टिक लगा देना है। उसके बाद यहां पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं आपको यहां पे आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड और मतदाता और पैन कार्ड और यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र जो कि नीचे दिया गया, ये सारा में सही 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 टिक लगा देना तीनों में। ठीक है, उसका नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे दिखने को यहाँ पे तिथि डाल देंगे और यहाँ पे हस्ताक्षर, अंगूठा या हस्ताक्षर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है घोषणा पत्र। ठीक है, ये घोषणा पत्र जो है, ये घोषणा पत्र सभी को भरना जरूरी है। ये घोषणा पत्र ये है, आपको यहाँ पे आपको नाम भर देना है, पिता का नाम, उम्र, ग्राम, पोस्ट, थाना, वार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा घोषणा पत्र ये आपको भर देना है। इसमें लिखा गया ये है कि हम किसी भी सरकारी नौकरी में काम नहीं करते, हमको कोई भी पेंशन नहीं मिलता है, ये दिया है। ठीक है, यहां से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप लोग इसको फॉर्म को, जो कि इसको फॉर्म को भर देना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर नीचे आना है, नीचे आने में सत्यापन पत्र होता है। ठीक है, एक सत्यापन पत्र होता है जो कि सभी को देना जरूरी है सत्यापन के लिए। क्या, उसके बाद यहां पर आवेदिका का नाम भर देना है, यहां पर पिता का नाम भरना है और यहाँ पे ग्राम मोहल्ला का नाम और वार्ड और जिला। ठीक है, ये सारा सिंपल से भर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदिका को यहाँ पे सही लगाना है और ये आपको इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, उम्र जो है यहाँ पे उम्र आपको यहाँ पे अच्छी तरीका से भर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे, ये रसीद है। ठीक है, ये रसीद है, ये रसीद यहाँ पे आपको काट के दिया जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ये जो है कि यहाँ पे पदाधिकारी, जो ग्राम प्रखंड के विकास पदाधिकारी अंचल के हैं, वो यहाँ पे सिग्नेचर करके आपको ये वाला रसीद दिया जाएगा। जहाँ पे कैंप लगाया जाएगा आप वहाँ से कर इसको फॉर्म को जमा कर सकते हैं। इसमें आपको फोटो स्टेट, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, जो भी है राशन कार्ड का, वो आपको फोटो स्टेट लेकर जाना है। ये फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से जुड़ करके ये फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, या वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे सिंपल है, व्हाट्सएप में दिया गया, आप लोग वहां पर जुड़ करके ले सकते हैं, फॉर्म को अच्छी तरीके से भर के जमा कर सकते हैं। ठीक है, यह फॉर्म इसके बाद आपको सरकार के द्वारा जो पैसे दिए जाएंगे 1000 रुपए की हर दिन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को
को सब्सक्राइब करें इसी तरह की हर दिन वीडियो देखने के लिए। कोई भी अपडेट झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है आपको सबसे पहले जानकारी दिया जाएगा।